गाइस ये भैया बना रहे हैं हमारे घर की हमारे रूम की सॉरी विंडो। ये क्या क्या ऑफर चल रहा है, कौन कौन सी ब्रांड के ऑफर चल रहे हैं, आपको सब कुछ लग रहा है। कैसे हैं आप सब लोग, आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो कुछ लोग हम दोनों को साथ में देखना ज्यादा पसंद करते हैं, तो इसलिए हम लोग अब मोस्टली ब्लॉग सोचते हैं कि साथ में ज्यादा से ज्यादा लाएं। मतलब एक तो होता है हम लोग बाहर जाते हैं तो वो मोस्टली ब्लॉग हमारे साथ के आते हैं, बट मेरे पास काफी टाइम से मैसेज भी आ रहे हैं कि दी आप दोनों तो साथ में बहुत अच्छी ब्लॉगिंग करते हो तो साथ में आया करो, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। तो मैं आज सुबह से पतिदेव को वेट कर रही थी, इसलिए मैंने सुबह से ब्लॉगिंग स्टार्ट नहीं करी थी। मैंने कहा पतिदेव आएंगे तभी हम साथ में ब्लॉग करेंगे स्टार्ट, तो वो हम स्टार्ट कर दिया। और सबसे अच्छी एक गुड न्यूज ये है कि आप लोगों का वेट खत्म होने वाला है, हमारे कमरे में काम स्टार्ट हो चुका है। अभी आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा कहाँ पे काम चल रहा है, बट हमारे रूम का पूरा जो हमारा रूम है बिल्कुल चेंज होने वाला है बहुत जल्दी। और गाइस पहली बात की लास्ट पूरा चेंज है, मतलब रूम वैसे की वैसी रहेगा बट इसमें हाँ। सब कुछ मतलब बेड भी वही रहने वाला है, अलमीरा भी वही रहने वाली है, बट इसका पेंट विंडो थोड़ा मतलब मॉडिफाई हो जाएगा रूम थोड़ा, बहुत सारे चेंजेस कर रहे हैं हाँ। और थोड़ा अच्छे से डेकोरेट करेंगे अपने रूम को हम, उसके बाद आपको दिखाएंगे। बट आज से काम स्टार्ट हो चुका है और पेंट जो हमने सोचा है वो हम कराएंगे होली के बाद, लेकिन उससे पहले ही बहुत सारे काम हो जाएंगे, जैसे कि हमें विंडो चेंज करानी थी। ठीक है, तो विंडो का काम आज से स्टार्ट हो चुका है, वैसे दो दिन पहले से आ चुके थे भैया बट वो काम नहीं हो पाया था, तो आज से विंडो का काम स्टार्ट हो गया है। तो छत पे विंडो रेडी हो गई है, आपको थोड़ी थोड़ी खटपट की जो आवाज आ रही है बीच में, आवाज आ रही है थोड़ा डिस्टर्बेंस आएगा बीच में बट। तो फिलहाल आज का जो ब्लॉग मैं लाई हूँ वो मैं आप लोगों के लिए इसलिए लाई हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स आए, मतलब मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे कमेंट आए, इंस्टाग्राम पे मैसेज आए, व्हाट्सएप पे मैसेज आए हैं कि ये लहंगा आपने कहाँ से लिया था जो अपने देवर जी की शादी में वेयर किया था मैंने। ठीक है, तो वो लहंगा मैंने कहाँ से लिया है, कितने का है, और अपना लिया था या रेंट का लिया था, बहुत सारे क्वेश्चन है आप लोगों के, तो मैं जानती हूँ। और वाकई में वो लहंगा मेरे रिलेटिव को भी सबको बहुत अच्छा लगा। मेरी हाल अभी उसी टॉपिक पे बात करते हैं, ना भी स्किप मत करना वीडियो को, पूरा लास्ट तक देखिएगा तभी आप लोगों को पूरा जानकारी मिलेगी मैंने कहाँ से लिया था। लेकिन उससे पहले एक मेरे को पार्सल रिसीव हुआ है जस्ट अभी, तो मैं उसे ओपन कर लेती हूँ आप लोगों के साथ में। अनबॉक्सिंग करते हैं टन टन। और मैंने बोला था ना कुछ रखे हैं, तो वो अभी मेरे को अभी उनकी वीडियो शूट नहीं करनी है इसलिए मैं उन्हें ओपन नहीं हाँ। कर रही हूँ, वो भी मैं आपके साथ ही करूंगी। और ये भी कहाँ से आया अभी पता नहीं है, मेरे को बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी इसलिए मैंने कहा कि इसी ब्लॉग में इसको अनबॉक्सिंग कर दो यार, इन्हें ज्यादा ही रहती है वैसे मुझसे ज्यादा एक्साइटमेंट इन्हें रहती है। तो ये जस्ट अभी रिसीव हुआ था, तो सबसे अच्छी बात की हम ब्लॉग स्टार्ट कर रहे थे तो ये बोले की साथ में अनबॉक्सिंग ही कर देंगे यार। पैकेजिंग बहुत बड़ी होती है, एक बार कर लो। आज मेरे सर में दर्द हो रहा है, बड़ा अलग तरीके का सर में दर्द है, मौसम चेंज हो रहा है ना उसका थोड़ा सा वो है, गर्मी भी काफी बढ़ गई है यार, वैसे दो दिन के अंदर ही मतलब। और वैसे गाइस अभी हमें थोड़ी देर में ना बाहर जाना है, लाइट गई यार, शिट मैन, अब क्या करें, विंडो पे रख ले फोन को, लाइट चली गई है, विंडो खोल लो, अब गई लाइट तो गई है ना भाई, काम तो करना ही है। कोई बात नहीं, इसे हम इधर रख लेते एक सेकंड गाइस। तो गाइस लाइट चली गई, तो हमने अपने कैमरे का सेटअप जो है वो विंडो की तरफ रखा है क्योंकि विंडो में से ही लाइटिंग सही दिखाई देगी, वरना हम आपको अंधेरे में दिखाई देते। लाइट का भी बहुत ड्रामा सुबह से चल रहा है, गर्मियां स्टार्ट हो गई तो लाइट का तो चली गई यार। फिलहाल करते हैं अनबॉक्सिंग, कैसे कैसे रख के रखना पड़ रहा है यार फोन को, बिना ट्राइपॉड के कुछ नहीं होता, बट हम वीडियो कंटिन्यू करेंगे, फिर लाइट का वेट करना पड़ेगा, फिर अभियुक्त नीचे से आ जाएगा, अभियुक्त यार जब भी हम वीडियो बनाते हैं अभियुक्त को नीचे भेजना पड़ता है। तो गाइस ये दो चीज हमने रिसीव हुई है, एक तो फेस वॉश रोना कंपनी से जो कि है एक बॉडी वॉश और एक फेस वॉश बॉडी वॉश। अगर आप लोगों को ये परचेस करना है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, इनके इंस्टाग्राम पेज का या जहाँ पे भी अवेलेबल है वहाँ का, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर रही हूँ, वहाँ से जाके देख सकते हैं। आप लोगों का क्वेश्चन था कि मैंने लहंगा कहाँ से लिया है, कितने का लिया है, तो मैं बता देती हूँ कि हाँ वो मेरा लहंगा रेंट का था, वो मैंने अपना परचेस नहीं किया था। अपना मैंने परचेस क्यों नहीं किया था वो रीजन ये था, और गाइस मेरी शेरवानी जो थी वो भी रेंट की ही थी, वो हम दोनों ने मैचिंग करी थी। लेकिन अभी के जो कपड़े थे अभी तो लिए थे यार, लहंगा मैंने लिया था मंडी चौक में है, फैंसी कलेक्शन फर्स्ट फ्लोर पे जाके है, वहाँ से लिया था मैंने, और मंडी चौक में तो फैंसी कलेक्शन एक ही है, प्रॉपर एड्रेस है वो, हाँ मंडी चौक में एक ही फैंसी कलेक्शन है, इसका प्रॉपर एड्रेस है बाबूराम हलवाई के, जस्ट बाबूराम जो हलवाई है उसके पास में ही है,
नहीं। हाँ बिल्कुल पास में ही है, तो वो तो इजीली मिल जाएगा आप लोगों को, मिल जाएगा। ऊपर चढ़ के जो शॉप है मतलब बाहर टंगे रहते हैं कपड़े उनके, बाबूराम हलवाई के जस्ट बराबर में है द फैंसी कलेक्शन, तो फर्स्ट फ्लोर पे जाके आपको शॉप मिल जाएगी। नवीन गुप्ता है वहाँ के ऑनर है उस शॉप के, तो आप उनका मैं नंबर भी यहाँ पे मेंशन कर देंगे हम नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में, और बता देना ब्लॉग देख के आए हो तो और अच्छा डिस्काउंट, तो आपको और ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा हमारे थ्रू। बाकी मतलब वो कितने का था ये मैं बता देती हूँ, तो वो मुझे रेंट पे पड़ा था 2000 का, वैसे वो 2500 का रेंट है उसका विद ज्वेलरी, बट मैंने ज्वेलरी नहीं ली थी, ज्वेलरी मैंने अपनी ली थी, तो इस चक्कर में मुझे 2000 का पड़ा था। अगर उसमें आप ज्वेलरी इंक्लूड कराते हैं उसके संग में ज्वेलरी पसंद करते हैं तो वो आपको 2500 का। छत पे चले क्या? तो चले गए छत पे, दिखाते हैं क्या काम चल रहा है, हमने कौन सा काम स्टार्ट करवा दिया है अपने रूम के लिए। और गए चलते हैं छत पे पतिदेव, और मैं पीछे बहुत कबाड़ा भरा पड़ा है हमारे यहाँ, और देखते हैं काम करना अच्छा है। नहीं आपको नहीं बोल रही, भैया खोलना गेट, भैया हमने कहा था कुंडी लगा लो क्योंकि बहुत फटफट फटफट आवाज आ रही थी ना इसीलिए। तो काम कहाँ तक पहुँचा भैया? काम चल रहा है। तो गाइज विंडो बस चल ही रहा है, मैं दिखाती हूँ कहाँ तक पहुँचा। गाइज ये भैया बना रहे हैं हमारे घर की, हमारे रूम की सॉरी विंडो, तो जो कि लगभग काम चल ही रहा है। और छत का क्या हाल हो रखा है, ओ माय गॉड, छत के साथ साथ पता है दूसरों के घरों पे भी इतनी गंदगी जा रही है, हवा की, हाँ हवा की वजह से। तो गाइस बस गाइस धीरे धीरे करके बस काम शुरू हो ही गया है, आपको एक महीने में पूरा रूम रेडी मिलने वाला है। एक महीने से वैसे कम ही होली का वेट करना पड़ रहा है, वरना तो हम इसी महीने करा लेते हैं ना जी, बस वो तो होली की वजह से हमें थोड़ा रुकना पड़ रहा है, क्योंकि पता है होली पे नाच आते हुए भी ना हाँ हो जाएगी, फिर बेड पर है अपने, फिर नहीं वैसे होता है उस पर भी, तो क्योंकि हम ना भी हम सोचे ना कि हम लॉक कर देंगे रूम को और उसके बाद में अंदर भी हो जाती है, किस कहाँ कहाँ तक रोकोगे, फिर हमें खुद से सभी आते हैं रूम में ही आएंगे, ऑब्वियसली बात है, फिर हम भी खुद भी यार हमारे सारे कपड़े वगैरह सब रूम में ही होते हैं, तो जाना आना हो ही जाता, तो पेंट के निशान वगैरह मतलब जो होते हैं ना वो उसके कलर के वो छपी जाते हैं, तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमने जो डिले किया वो होली के चक्कर में ही किया है। लेकिन हमने लाइट का काम और ये जो विंडो का काम है ये हम अभी करवा लेंगे, है ना, होली से पहले ही विंडो का तो स्टार्ट हो गया, ये 2-3 दिन में हो जाएगा, लाइट की फिटिंग और करवानी है उसके बाद, और लाइट की फिटिंग करानी है, पेंट करा जाएगा है ना। अब बाकी शाम को थोड़ा जाएंगे, अभी फैशन फैक्ट्री में सेल चल रही है तो मैं इनसे बोल रही हूँ घुमा लाओ, सेल के लास्ट डे चल रहा है उसमें, क्योंकि काफी अच्छी शॉपिंग चल रही है वहाँ पर भी जाके आपको बताएंगे कि क्या क्या ऑफर चल रहा है वहाँ पर, लेकिन ऑफर बहुत गजब के चल रहे हैं। अगर वाकई में गाइस सेल अच्छी है तो मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगी कि जाना, पर मैं पहले खुद देख के आऊँ कि सेल है। नीचे आ गए क्योंकि ऊपर ना हवा बहुत तेज चल रही थी, तो आप लोगों को भी थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, तो मैं यही बोल रही थी कि फैशन फैक्ट्री जाएंगे और वहाँ पे क्या सेल चल रही है। ये जो मुझे बता रहे हैं वो सेल तो ये है कि बाय वन गेट टू फ्री, गेट टू फ्री, Why one get to free, तो बहुत अच्छा ऑफर है यार, मतलब मुझे तो ऐसी ऑफर वाली जगह पे जाने में ना बहुत मजा आता है, एक तो ब्रांडेड सामान मिल जाता है और सस्ता का सस्ता मिल जाता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फिलहाल अभी थोड़ी देर अभी को नीचे भेजा है, थोड़ी सी हमको रील्स बनानी है, हम वो रील्स बना लेते हैं एंड उसके बाद आपसे मिलते हैं। गाइस तो मैंने बोला था शाम को मिलते हैं जैसा कि, तो शाम हो चुकी है और हम लोग, मैं रेडी हो चुकी हूँ, पति नीचे जा चुके रेडी होके, हम लोग जा रहे हैं फैशन फैक्ट्री, वहाँ क्या डिस्काउंट चल रहा है वो आपको दिखाते हैं, तो ज्यादा बात यहाँ नहीं करते हैं, चलते हैं बाहर, ठीक है, बहुत डांटेंगे अगर लेट हो गया तो, चलते हैं ठीक है। फैशन फैक्ट्री आ गए हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव सा ऑफर चल रहा है, बाय वन गेट टू फ्री, देख सकते हो पीछे आपको उल्टा दिख रहा होगा, मैं आगे जाके अभी दिखा दूंगा आपको, और अंदर चलते हैं और देखते हैं भाई कि क्या क्या ऑफर चल रहे हैं, कौन कौन सी ब्रांड पे ऑफर चल रहे हैं, फिलहाल अंदर चलते हैं और आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा कि किस किस चीज पे क्या क्या ऑफर चल रहा है, चलते हैं अंदर। तो आज ये लूटने के उससे मैं दिखाता हूँ ऑफर, फैशन फैक्ट्री ब्रांड फॉर लेस बाय वन गेट टू फ्री रेड जोन सेल, तो भाई जल्दी से चलते हैं अंदर। ये पता नहीं रेड जोन सेल पर्पल ये सब पता नहीं समझ नहीं आ रहा, बट अंदर जाके देखते हैं भाई कि क्या क्या माज रहा है। चलो गेट टू 50% ऑफ, ये कुर्तीस है मोस्टली पे गेट टू है, ये वाई वन गेट वन गेट टू फ्री, इसके प्राइस क्या है कहता हूँ 1299, तो इसमें मतलब तीन है, थ्री पीसेस, यस पूछ लो किसी और मैं कंफर्म करके बताता हूँ आपको। तीन होगा हाँ, तो बहुत सही हो गया यार, बहुत सही हो गया, 1300 रुपए में तीन चीजें,
एक बार कंफर्म और कर लो, है ना, कंफर्मेशन हो जाएगा ना तो थोड़ा बताने में भी सही रहेगा। तो गाइस रेड जोन का मतलब है कि अगर आप कोई भी एक चीज लेंगे, जैसे कि ये है 1299 की, तो आप अगर तीन भी लेंगे तो ये 1299 में आएगा। और ऐसा नहीं है कि आपको सेम पीस लेना है, आप इसमें का रेड जोन में से कोई भी देख सकते हो, आप देख सकते हो, आप पीछे मेरे सामने दिख रहे हैं बिल्कुल रेड जोन के जितने भी रेड रेड है, तो आप कुछ भी ले सकते हैं इसमें। ये जो ग्रीन जोन है इसमें 50% ऑफ है, तो उस पे आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। बहुत अच्छा ऑफर है, सबसे अच्छा ऑफर ये वाला है, बाय वन गेट टू, यार बहुत अच्छा। फिलहाल हम जाते हैं किड्स जोन में क्योंकि अविक के लिए लेनी है हमें। फिलहाल तो यार अविक के लिए देखने आए हैं क्योंकि अविक के लिए, लेकिन उस पर रेड जोन नहीं है, उस पर ग्रीन जोन है आपका, तो वाई टू 50% ऑफ है, वो भी काफी अच्छा ऑफर है यार। तो फिलहाल देखते हैं यार किसमें आज, तो गाइस सीरियसली बहुत ही अच्छा ऑफर है, मतलब ये जो और ये 20 तक ऑफर है और अभी आगे बढ़ भी सकता है। हमें अविक के लिए देखने क्योंकि बहुत ज्यादा यार अच्छा ऑफर चल रहा है। और समर के लिए अगर किसी को भी अपने बेबी के लिए लेना है, ये हाफ निक्कर है और ये शर्ट्स लग रही हैं ऊपर और बहुत सारी चीजें हैं यार गाइस, आप एक बार आओ यहाँ पे विजिट करो, आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा, सब कुछ है। गर्ल्स के भी बहुत ज्यादा देखने हैं यार, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव सी हैं, फ्रॉक्स हैं और नीचे भी लग रही हैं फ्रॉक्स, बहुत सारा कलेक्शन है यार। जहाँ तक मेरी जरूरत जा रही है वहाँ तक डिस्काउंट है। हाँ पहले इसके लिए तो आ गए समर के, फिलहाल तो ये बच्चों के लिए, ये समर के लिए, उसके लिए कूल कूल वाली टी शर्ट्स ली जा रही हैं। और अभी ऊपर जाके मैं अभी देखूंगा अपने लिए कुछ, अगर कुछ अच्छा आ जाए तो यार, पसंद आ जाए तो आ जाएगी आराम से आएगी। नहीं यार हाइट उसकी ज्यादा तो नहीं है, लंबू हो गया अभी तुम्हारा, अब लास्टिक है, सही आएगा फिलहाल तो। वैसे ये लो अभी देख ले बेटा, तेल नहीं है, कपड़ों की शॉपिंग हो रही है, मम्मा नहीं कर रही है, पापा भी कर रहे हैं। ले लिया मैंने क्योंकि मुझे पता है बहुत कुछ लेने वाली है मैडम, आज मूड में आई है बिल्कुल शॉपिंग करने के। बिल्कुल अभी तो फिलहाल नीचे ही देख रहे हैं यार, अभी के लिए ही देख रहे हैं अभी तो फिलहाल, अभी जाएंगे ऊपर तो देखते हैं हम भी अपने लिए कुछ सर्च करते हैं। डिस्काउंट बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा था कि शूज़ पर, मैं शूज़ देखने वाला हूँ, कपड़ों का तो अभी नहीं क्योंकि अभी होली के आसपास करूँगा मैं शॉपिंग अपने लिए कपड़ों की, और देखूँगा फिलहाल अगर कुछ अच्छा पसंद आ जाता है तो भाई रुकना तो बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है बिल्कुल भी। फिलहाल अभी देखते हैं मैडम बुला रही है। के लिए जो शॉपिंग करनी थी हमें वो तो पूरी हो चुके हैं, बैग में थोड़े से कपड़े लिए हैं अभी के लिए, थोड़े ज़रा समर के लिए, और अभी जैसे जैसे स्टॉक आएगा लेते रहेंगे अभी। और अभी चलो तुम देखो इनको बहुत जल्दी हो रही है कि लुटना चाहिए ये लड़की सब। देखो ये भी अच्छी लग रही है कुर्ती है ना, दिखाओ अपनी हालत, दिखा दो, देखो आठ कुर्तियाँ, आठ कुर्ती के बाद भी पीछे देखो मेरा लगी पड़ी है, तीन कुर्तियाँ अपने हाथ में और लेके और तलाश में है कि भैया और कोई मिल जाए कुर्ती उसको भी ले लूँ या ट्राई करके देख लूँ, अच्छी फिटिंग आए तो ले डालेंगे आज, 10-12 तो है कदम से आज लग रहा है मुझे। अपने लिए हो गया देखो, आठ कुर्तियाँ मेरे पास, तीन इनके पास और अभी कुछ नहीं। शादी के बाद इंसान पिस जाता है भाई, रिलेट करेंगे बहुत सारे लोग मुझसे। ठीक लग रहा है ये, सही लग रहा है, वो थोड़ा सा टाइट था, ये ठीक है बिल्कुल, ये ठीक है ना। क्या हुआ आपको, क्या लगा खत्म हो गई शॉपिंग? नहीं भाई कैसे टांग दिए, तो ये बैग मैंने पीछे ले। हमारी शॉपिंग पूरी होगी, अब मैं भी घर जाऊंगा, मैं भी घर पर जाकर खाना खाऊंगा क्योंकि मुझे लगा नहीं था हमेशा कितना बेकार। दोनों की
भी आ गई है कॉफी, एक ने हॉट कॉफी के लिए कोल्ड कॉफी, मुझे कोल्ड ही पसंद है। तो गाइस चलते हैं और थैंक यू भैया फॉर दिस कॉफी। गाइस आ गए थे घर एंड उसके हम बिग बॉस देखने बैठ गए थे आते ही, तो कौन जीता वो तो आप लोगों को भी पता चल गया होगा, एमसी स्टैंड जीता। मजा आ गया यार बिग बॉस में, मतलब इस बार का बिग बॉस सच में बहुत अच्छा था। मैंने फर्स्ट टाइम पूरा बिग बॉस देखा था सारे एपिसोड, बस शादी की वजह से कुछ बीच पे छोड़ गए थे तो बस हम वही देख रहे थे बिग बॉस। एंड उसके बाद अभी रूम में आए हैं, विक को सुलाया है, पति देव फोन में लगे हुए हैं। आ गया शॉपिंग करके, मैंने क्या शॉपिंग करी है ये तो मैं आपको आगे बताऊंगी, है ना, क्योंकि मैंने दूसरे ब्लॉग में क्या क्या लिया है, मैंने बहुत कुछ लिया है। लेकिन आज मजा आ गया बिग बॉस देख के, एमसी स्टैंड जीत गया हमारा भाई मंडली वाला। एप्रिशिएट ब्रो, आई फील यू, आई फील यू, मातृभाषा हिंदी, पीटाउन बेबी। तो गाइस फिलहाल मुझे बहुत ही नींद आ रही, पता क्या टाइम हो रहा है, एक बज रहा है, एक से भी आगे टाइम हो रहा है, एक बज के एक तेरह हो रहा है, और अभी भी अभी सोया ऐसे सोता है ये तो, खैर एक बारह एक बजे, तो फिलहाल अब हम भी सोते हैं। बहुत तेज नींद आ रही है, बहुत तेज वाली। मैं जस्ट अभी इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, और ये अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो गुड नाइट एवरीवन, बाय कर दो जी, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट।